देश के लिए बड़ा काम करने वालों का बड़ा नाम भी होता है और भारत के सच्चे सपूतों के लिए दिए जाते हैं सम्मान, जिसमें सबसे बड़ा है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि देश सेवा में कुछ बड़ा करने वालों का सम्मान होना चाहिए और शुरुआत की गई भारत रत्न की। भारत रत्न का डिजाइन पीपल के पत्ते जैसा होता है, जिस पर सूर्य बना होता है और नीचे देवनागरी में लिखा होता है भारत रत्न। इसके पीछे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रवाक्य भी लिखा होता है। पहला भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन और सी राजगोपालचारी को दिया गया। शुरुआत में यह सम्मान सिर्फ जीवित और भारतीयों को दिया जाता था, लेकिन 1980 में मदर टेरेसा पहली ऐसी न्यूट्रलाइज नागरिक थी जिन्हें भारत रत्न चुना गया। 1987 में फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान और 1990 में नेल्सन मंडेला दो ऐसे शख्स हैं जो भारत के नहीं होते हुए भी भारत रत्न से सम्मानित हुए। पहला मरणोपरांत सम्मान 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ऐसे दो प्रधानमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए भारत रत्न बने और सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने का फैसला किया गया, लेकिन उनके निधन पर विवाद की वजह से ये फैसला वापस लेना पड़ा। एक और दिलचस्प बात है, महात्मा गांधी को अब तक भारत रत्न नहीं मिला है। युद्ध में सैनिक को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान है परमवीर चक्र। जंग के मैदान में मातृभूमि पर सबसे बड़े त्याग का सम्मान। इस मेडल को डिजाइन किया था ईवा योन लिंडा मदाए डे मार्कोस ने, जिन्हें सावित्री खानोलकर या सावित्री बाई के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पहले एडजुटेंट जनरल मेजर हीरालाल अटल ने सावित्री बाई से मेडल डिजाइन करने को कहा। सावित्री बाई को ख्याल आया ऋषि ददीचि का, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। इन्हीं हड्डियों से वज्र बनाया गया। मेडल में दोहरे वज्र की निशानी है। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में मरणोपरांत दिया गया। और आखिरी परमवीर चक्र मिला कैप्टन विक्रम बत्रा को। जो करगिल की लड़ाई में शहीद हुए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम आजादी की लड़ाई में अलग जगह रखता था। आजादी की लड़ाई में लोग वंदे मातरम के नारे लगाते और इसे गाते। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार राजनीतिक तौर पर गाया गया और इसके बाद राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि राष्ट्रगान जनगण मन के साथ ही वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गीत माना जाए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कहा कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान की तरह ही सम्मान दिया जाए। बंकिम चंद्र ने जो गीत लिखा था उसके शुरुआती दो अंतरों को ही राष्ट्रीय गीत माना गया। चौबीस जनवरी 1950 के दिन भारत की संविधान सभा ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान चुना। 11 दिसंबर 1911 को लिखे गए जनगण मन ने
पूरे देश पर जादू सा कर दिया था। अट्ठाईस दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया। दिसंबर को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फिफ्थ को भारत आना था। अंग्रेजों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये उनके लिए लिखा गया है। गुरुदेव ने साफ किया कि जनगण मन का अधिनायक कोई इंसान नहीं बल्कि ईश्वर हैं। और ये गीत भगवान के लिए लिखा गया है। गुरुदेव के जनगण मन के पहले अंतरे को राष्ट्रगान के तौर पर कबूला गया। 1943 में आजाद हिंद फौज के कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने इसे संगीत दिया, जिसे आज हम सुनते हैं। इन्हीं कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने कदम कदम बढ़ाए जाके धुन भी बनाई थी। राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। आप देखिए खुद रविंद्रनाथ टैगोर किस तरह इसे गाते थे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युक्कल भंगा सिंध हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे काहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे।